तीन दिन पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पुरजोर दावा किया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इधर सत्र खत्म होते ही इस दावे की पोल खुल गई। दरअसल कांकेर में आरटीआई के तहत मिली जानकारी में एक मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में ठहराने का 14 दिनों का खर्च 3,541 रुपये आया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहां मजदूरों के नाम पर किस तरह से लूट मची थी, इसको समझने के लिए इतना काफी है कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने टमाटर 580 रुपये प्रति किलो और 550 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा। पूरा बिल जो सामने आया उसमें इसी तरह दूसरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूते दिखाई दिए। इसी जिले के कापसी में तो मजदूरों को बोतल बंद पानी पिलाने का बिल भी लगाया गया है। वैसे सच को समझने के लिए इतना काफी है कि पड़ोस के जिले नारायणपुर में प्रति मजदूर 14 दिन का खर्च 103 रुपए और बीजापुर में 45 रुपए रहा है। अब इस मामले में विभाग के मंत्री प्रेम साय टेकाम क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। मैं उसकी जानकारी ले लूंगा क्या उसमें है, क्योंकि जानकारी मुझे अभी उसका ले नहीं पाया हूँ। अभी मेरे अभी ध्यान में अभी आया नहीं है, देख लूंगा उसमें क्या है। इसमें देखने के बाद बता पाऊंगा उसमें कोई गड़बड़ी अगर हुआ होगा तो देखते। कांकेर जिले का मामला सामने आते ही बीजेपी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि यह महज एक उदाहरण है, पूरे प्रदेश में जांच कराई जाएगी तो इसी तरह के मामले हर तरफ निकलेंगे। करुणा के नाम पर अगर कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई करप्शन होता है, कोई लोग पैसा खाते हैं तो दुर्भाग्यजनक है। लोगों के जीवन की रक्षा करने का सवाल है, लोगों के जीवन बचाने का सवाल है और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पहले लोगों का जीवन बचे, लोगों के जीवन की रक्षा हो, उनको व्यवस्था मिले। आज क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लोग भाग क्यों रहे और लोग इतनी बड़ी मात्रा में संक्रमित क्यों हो रहे हैं, उसका यही कारण है कि उनको वहाँ की अव्यवस्था और उसमें भी अपना हित और लाभ देखना, यह दुर्भाग्यजनक है। कांकेर जिले के अफसरों ने जो कारनामा किया है उसकी वानगी देखिए कि 5,500 मजदूरों के आवागमन पर 3,32,000 रुपए खर्च हुए, उनको ठहराने पर करीब 21 लाख और खान पान पर 1,43,00,000 रुपए खर्च किए गए। जो अफसर क्वारंटाइन सेंटर्स का नोडल अफसर था उसका तबादला हो चुका है और मौजूदा सहायक संचालक इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। कांकेर के कलेक्टर ने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी है। समझा जा सकता है कि गरीब मजदूरों का निवाला किसके पेट में जा रहा है। कांकेर से प्रकाश ठाकुर के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं धनवेंद्र जायसवाल। जिस तरीके से कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के पूरे प्रदेश में सवाल उठ रहे थे, उसकी एक वानगी अब सामने आई है। कांकेर जिले में इमली पारा में एक क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ मजदूरों को खिलाने के नाम पर 580 रुपये किलो में टमाटर खरीदा गया, 550 रुपये किलो में टमाटर खरीदा गया। ये खरीदी उस दौरान की गई जब पूरे प्रदेश में सब्जियाँ मुफ्त में बांटी जा रही थी, किसान खुद सब्जियों को ला करके बाजार में लोगों को बांट रहे थे, स्वयंसेवी संगठन क्वारंटाइन सेंटर्स तक खाने पीने का सामान पहुंचा रहे थे। उस दौरान में 580 रुपये किलो में टमाटर खरीदा गया। पूरे प्रदेश में जो मजदूरों पर जो क्वारंटाइन सेंटर में रखने का जो खर्च आया है वो बहुत रोचक है। जांजगीर ज़िले में एक मजदूर पर कुल 11 रुपये खर्च आया 14 दिनों का, यानी एक दिन में 78 पैसे। तो कुल मिलाकर के इसी तरह का एक नज़ारा बीजापुर का है, जहाँ 43 रुपये खर्च आया। नारायणपुर की बात करें तो 103 रुपये खर्च आया। लेकिन कांकेर जिले की बात करें तो कांकेर जिले में 3,541 रुपये का खर्च आया, यानी बीजापुर और नारायणपुर की तुलना उनसे हो ही नहीं सकती, जांजगीर से कोई तुलना नहीं हो सकती। 580 रुपये में जहाँ 1 किलो टमाटर खरीदा जा रहा होगा, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था किस तरह रही ये भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स में पीने का पानी नहीं था, खाना उनको ठीक से नहीं मिलता था, चाय नाश्ते की भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था, केवल 2 टाइम चावल और सब्जी खिलाया जाता था और वहाँ का जो प्रति व्यक्ति खर्च है वो 3,541 रुपये है। तो समझा जा सकता है कि क्वारंटाइन के दौरान जो मजदूरों को राज्य सरकार सेवा दे रही थी, उनको सहारा दे रही थी, ऐसे वक्त में भी उन लोगों का निवाला छीलने के लिए कुछ लोग तत्पर थे। हमारे साथ इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रामावतार तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी, ये जो आंकड़ा आपके सामने आया है कि एक जगह 3,500 रुपये खर्च हो रहा है, एक जगह 11 रुपये खर्च हो रहा है, जहाँ 580 रुपये किलो में टमाटर खरीदा जा रहा है, तो ये किस तरह की मानसिकता है, क्या सोच है? देखिए धर्मेंद्र जी, जब भी आप देखते हैं बाढ़ राहत के नाम पर आपदा जब भी आती है, भूकंप आ गया, तो इसी तरह कोरोना आया, कुछ लोग जो होते हैं प्रशासन में, शासन में जो बैठे लोग हैं, वो इस तरह के अवसर का इंतजार करते हैं। जो जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, क्योंकि इस समय प्रशासन में आपदा राशि में कोई विशेष जांच पड़ताल नहीं होती और आपाधापी में आपात स्थिति इस समय लागू है। ऐसे में खर्च करना रहता है कि लोगों को जीवन को बचाना, जीवन बहुमूल्य है, जीवन को बचाने के लिए सरकार जो है भड़ा भड़ चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो राशि दे रही है। अब उस राशि का जो धरातल में बैठे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ऐसे अवसरों पर भ्रष्टाचार करने का उचित अवसर मानते हैं और सही अवसर मानकर जो लोगों को जिस अनुसार से फायदा दिलाने की आड़ में एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, वही मामला ये उजागर हुआ है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियों में सरकार को, जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को सतर्कता से काम करना चाहिए। ये तो एक जिले की बात है, एक क्षेत्र की बात है, देश में, प्रदेश में, जिलों में ऐसे नामों पर भारी भ्रष्टाचार के आगामी दिनों उजागर हो सकते हैं। इसको तत्काल प्रशासन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ लोगों की समूह काम कर रहा होगा। पिछले 3 दिन पहले जब विधानसभा में इस पर चर्चा चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार की मंशा को लेकर के तो प्रसन्नता जाहिर की, सरकार की मंशा बेहतर थी, लेकिन जो अव्यवस्था थी उसको लेकर खूब सारे सवाल उठे। सरकार ने उनका जवाब भी दिया था, लेकिन आज 3 दिन बाद ही एक मामला उजागर होता है, किस तरह देखते हैं? आदरणीय धर्मेंद्र जी, बहुत गंभीर बात आज बहुत बड़ी गंभीर बात सामने आई है। 550-580 रुपए किलो टमाटर सरकार खरीदे या प्रशासन के अधिकारी खरीदे उन क्वारंटाइन सेंटर में, ऐसे क्वारंटाइन सेंटर पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरे पास आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? लगता है सुंदरानी जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत। नहीं, मेरे पास आवाज आ रही है आपकी? बोलिए मेरे जी। जी, बहुत जवाब दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा क्वारंटाइन सेंटर के अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाई, लेकिन आज जिस प्रकार का मामला सामने आया, 12-15 रुपए 20 रुपए किलो का टमाटर 580 रुपए 560 रुपए 550 रुपए अगर एक सेंटर में खरीदा जा रहा है, ऐसे हजारों की संख्या में क्वारंटाइन सेंटर प्रदेश में बनाए गए, लगातार उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर हम आवाज उठाते रहे, वहां से मरीज भी क्वारंटाइन किए गए, सारे मरीज छोड़ छोड़ के क्वारंटाइन सेंटर जा रहे थे, कई जगह सुसाइडल मामले हुए, कई जगह सांप के काटने से मृत्यु हुई। अब ये नया एक मामला सामने आया, ये कांग्रेस के लोग हमेशा 15 साल की सरकार को कोसते हैं, ये 15 महीने में पंचर हो गए आर्थिक रूप से, 18 महीने की सरकार है, 19वां महीना चल रहा है, लेकिन ये 19 महीने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मानवीयता भी इन्होंने खो दी, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में जो पैसा आता है, वो पैसा भी अगर उन तक न पहुंचे, उन मरीजों तक न पहुंचे, तो इससे बड़ी लापरवाही इस सरकार की कोई नहीं हो सकती। इस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जनता की गाड़ी कमाई का एक एक पैसा प्रदेश के हित में, प्रदेश के जनता के हित में खर्च होना चाहिए। जी जी जी, मैं धनंजय ठाकुर से जवाब ले लेता हूँ। ठाकुर साहब, आप पूरा मामला देख रहे हैं, आपके सामने सारे दस्तावेजी सबूत हैं, ये तो आरटीआई से निकले हुए पेपर हैं। धनंजय जी, एक तथ्य आपके सामने और लाना चाहूँगा कि जहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स में पीने के पानी नहीं मिल पा रहे थे, गर्मी का मौसम था, बोर भी सूख रहे थे बहुत सारे स्थानों पर, लेकिन पखांजूर एक ऐसा सेंटर था, क्वारंटाइन सेंटर था उसी कांकेर जिले में, जहाँ बोतल बंद पानी पिलाने का बिल लगाया गया है,
पखांजूर के रिमोट इलाके का वो क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ पीने के पानी की जगह बोतल बंद पानी देने का बिल लगाया गया है। तो ये पूरा मामला कांकेर जिले में ही लगातार इस तरह के मामले जो निकल के आए हैं कांकेर में ही आए हैं, क्या देखते हैं? वहाँ के कलेक्टर का नियंत्रण नहीं था, वहाँ के अधिकारियों का ने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, कोई देखने वाला नहीं था, राज्य सरकार ने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की, क्या कर देखते हैं, किस तरह का मामला? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो घटना ही प्रकाश में आया है उस घटना को अंजाम देने वाले को तो मैं इंसानियत के नाम पर कलंक करता हूँ। ये वो खरपतवार है जो पूर्व रमन सरकार के सह में रहकर जो भ्रष्टाचार करते थे, जो आदिवासियों की हक अधिकार को डाका डालते थे, ये वो लोग हैं, ये खरपतवार हैं समाज के नाम, कलंक है ये लोग, तो इनको तो इंसानियत का कहना भी या इनको मानव कहना भी बहुत दुख का विषय होगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्राथमिकता से कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर में किसी को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हर प्रकार के सुविधाएं दे रही है, लेकिन वहां धरातल पर जिनको इम्प्लीमेंट करना है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और एक ऐसे समय में जब छोटा छोटे बच्चे भी अपने गुल्लक में जमा पैसे को कोरोना महामारी के संकट काल में लोगों का सहयोग के लिए दान कर रहे हैं, ऐसे समय में वो अधिकारी ने काम किया है उसको तो परमात्मा भी माफ नहीं करेगा और सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की कोरोना महामारी को लेकर खर्च की गई राशि की पारदर्शिता है जिसकी जानकारी कोई भी ले सकता है, और जहां गलतियां हैं उसको जागर करिए, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी बता दे, वही पीएम केयर फंड जिसमें देश भर की जनता ने कोरोना महामारी काल में आम लोगों की मदद के लिए जो पैसा दिया है, एक मिनट ठाकुर साहब, लेकिन उसमें आरटीआई में जो आपने दिया जाता उसमें भारी भ्रष्टाचार हो ठाकुर साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा, आपसे छोटा सा सवाल है मेरा, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए, मैं अभी के पास आना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी थी, कलेक्टरों को जिम्मेदार बनाया था कि पूरे जिले में व्यवस्था ठीक रहे, वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, मजदूरों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो। कांकेर के कलेक्टर क्या कर रहे थे जब उनके जिले में इस तरह की व्यवस्थाएं हुई, इस तरह गड़बड़ियाँ हो रही थी, और तब उन्होंने नहीं देखा होगा उसका? जब ये बिल सबमिट हुए तो अप्रूवल के लिए कलेक्टर के पास ही जाना था क्योंकि ये आकस्मिकता निधि से खर्च हुई राशि है, तो कलेक्टर ने जब ये देखा कि पखांजूर जैसे इलाके में बोतल बंद पानी का बिल लगाया गया है, उसके बाद भी वो सो रहे थे या वो हिस्सेदार थे, क्या थे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि क्वारंटाइन राज्य में लगभग 25,000 क्वारंटाइन सेंटर थे जहां से हमारे नहीं, मैं तो एक जिले की बात कर रहा हूँ, सुने ना, मैं कांकेर के कलेक्टर आखिर कर क्या रहे, वहीं पे आना चाहता हूँ। तो कांकेर जिले में भी बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर है और हर जगह के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर उस क्वारंटाइन सेंटर में जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी उन्होंने जिस प्रकार के जानकारी दी उस आधार पर वहां कुछ व्यवस्था हुई है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें दोषी कौन है, मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और तिवारी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक सेकंड, ठाकुर कह रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर थे लिहाजा उसको देखने की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, यदि इसी तरीके से कह दिया जाए कि पूरे प्रदेश के 21,000 समथिंग क्वारंटाइन सेंटर्स थे तो उसकी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कौन करेगा? यदि कलेक्टर भी अपने जिले के क्वारंटाइन सेंटर्स का खर्च का हिसाब नहीं ले पा रहे हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति को कलेक्टर रहना चाहिए वहां? देखिए इस मामले में राज्य सरकार को गंभीरता से और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह अगर मामले एक जिले का नहीं है ये प्रदेश में भी हो सकते हैं। पहले तो उन अधिकारियों के तत्काल क्या होता है इसमें आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक तरीके से लिंगर आन करने के लिए जांच पड़ताल ना हो, इसमें त्वरित जांच हो, ऐसे अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए। तो ये संदेह जाएगा कि ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको उल्टा लटकाएंगे। तो कौवा मार के लटकाने वाला अगर काम इस मामले में किया गया तो इसका अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच भी, प्रशासन भी सही चलेगा और आम जनता की गाड़ी कमाई की जो टैक्स का पैसा है वो सही उपयोग करने वाले नीचे से ऊपर के अधिकारियों को जो जो जिम्मेदार है तत्काल तबादला हो, जांच पड़ताल हो और हो सके तो जेल डाला जाना चाहिए, तभी ये इस तरह की चीजें रुक सकती है। नहीं तो आपाधापी में जो ऐसे भ्रष्टाचार का एक वर्ग होता है वो अपने लिए सुविधाजनक
और अच्छा अवसर मान के जो लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना लंबा चलेगा, कोई एक दिन का नहीं जाना चाहूंगा, तो ऐसी स्थिति में सुंदरानी जी और जो लोग कर रहे होंगे तत्काल इस पर रोका जाना चाहिए। सुंदरानी जी, जैसे पूरा चावल पका है या नहीं पका है ये देखने के लिए एक दाने को छू कर देखना पर्याप्त होता है जी। कांकेर का मामला कुछ उसी तरह का है या कांकेर का मामला कुछ अलग है? वहां के कलेक्टर के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो ये देख सकें कि टमाटर किस भाव में खरीदा गया है, सब्जियों के दाम क्या रहे हैं। यदि बाकी जिलों में 11 रुपए में खाना खिलाया जा सकता है, 43 रुपए में खाना खिलाया जा सकता है, 103 रुपए में खिलाया जा सकता है, तो 252 रुपये या माफ कीजिएगा 3500 रुपये 3500 रुपये में खाना खिला रहे थे कांकेर के कलेक्टर अपने जिले के मजदूरों को। इस तरीके से आप देखते हैं क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कलेक्टर जिम्मेदार नहीं है? देखिए जयसवाल जी, 53 रुपये 103 रुपये पर्याप्त होते हैं। हमारे जैसे परिवारों में अगर हम खाने का सिर्फ खर्च लगा लें तो इससे ऊपर का खर्चा नहीं होता। 3 टाइम का खाना भी 53 रुपये में अच्छे से अच्छा घर का खाना खा सकता है। जब वहां कहीं 3500 रुपए का खर्चा हो रहा है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये मॉडल है कांकेर, कांकेर का पूरा प्रदेश में इसी का इतिहास हो रहा है। मैं आदरणीय धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 2-3 बातें रट ली है। डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल का कार्यकाल, 15 जो इनके शासन में भ्रष्टाचार हो वो डॉक्टर रमन सिंह जी के आदमी है। हर आदमी पे इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह का, तो ये मान ले प्रदेश की पूरी जनता पे ठप्पा डॉक्टर रमन सिंह जी का है। किस किस से परहेज करोगे? आपकी सरकार क्या पंगू हो गई है? आपकी सरकार जांच नहीं करा रही, आपकी सरकार दंडित नहीं कर रही है? हर चीज में डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम ले लेते हैं, हर चीज में आप केंद्र में पहुंच जाते हैं, आप दिल्ली पहुंच जाते हैं, आप बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30,000 करोड़ इसलिए आपको दे कि आप 580 रुपए में टमाटर खरीदो? ये हालत है पूरे छत्तीसगढ़ की जी। पूरे छत्तीसगढ़ की नहीं, कांकेर जिले की हालत है। यही प्रयोग हुआ हुआ, यही प्रयोग हुआ हुआ। कोरोना महामारी काल में जो राज्य सरकार ने जो खर्चा किया वो पारदर्शी तरीके से जनता उसको जान सकती है, आरटीआई लगा सकती है, सरकार से पूछ सकती है, और जहां गलत है वहां पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता बता दे, पीएम केयर फंड में जहां देश भर से पैसा गया हुआ है, जिसमें कोरोना संकट काल में गया हुआ है, तो क्या उसमें आरटीआई के माध्यम से जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों खर्चे को छुपाया जा रहा है? क्या भाजपा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करना चाहती पीएम केयर फंड में? क्या घोटाला करना चाहती है? मजदूरों के नाम से पैसा को क्या भाजपा बंदरवाट करना चाहती है? ये राज्य सरकार की पारदर्शिता है जो आज जो उजागर हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय घटना था वो, उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीएम केयर फंड जिसमें देश भर के लोगों ने पैसा दिया है, मेरी बात सुन लीजिए, उसका हिसाब क्यों नहीं दिया था? धनंजय जी, ऐसे भी बहस नहीं होती है, ये तरीका नहीं है। जब मैं आपसे लगातार आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात भी सुन लीजिए, प्रदेश में 21,000 क्वारंटाइन सेंटर्स थे, 21,000 क्वारंटाइन सेंटर्स में आरटीआई लगाकर जानकारी नहीं निकाली जा सकती। किसी आरटीआई कार्यकर्ता को इतना फुर्सत नहीं कि पूरे 21,000 सेंटर्स के लिए अलग अलग जानकारी निकालता बैठा रहा है। और फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? आप सरकार में जिम्मेदारी आपकी है, यदि क्वारंटाइन सेंटर्स में खर्च की गड़बड़ी हुई है तो ये देखने की जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होगी, कार्रवाई होगी। वहां के जिले के प्रभारी मंत्री को देखना चाहिए, राज्य सरकार की मंशा बेहतर है, हम राज्य सरकार की मंशा पर कहीं सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसमें पारदर्शिता है, ऑडिटर बैठा के अलग अलग लोगों को इसकी हर जिले की जांच होनी चाहिए। ऐसा मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे मामले में जो भ्रष्टाचार लगभग अधिकारी जो होते हैं भ्रष्ट लोग वो अवसर मान के करते हैं, इसके लिए अभी से ना अधिकारियों को ऑडिट अलग से होनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और जो दोषी अधिकारी को हटाया जाना चाहिए। जिनकी मानसिकता ही नहीं सेवा की, वो उस तरह के पैसा खाने का उचित अवसर मान रहे हैं और ऐसे समय पर, तो ऐसे अधिकारियों को छाट छाट के विशेष जांच पड़ताल करके, जब आर्थिक हालत खराब है राज्य सरकार की, तब इस तरह से बेहुदा तरीके से जो खर्च हो रहा है वो रखने का कदम उठाना चाहिए। मैं इसमें आपकी जानकारी में कुछ चीजें और जोड़ना चाहता हूँ। उसी अधिकारी ने क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर 70-80 रुपए किलो में खरीदा, सेब 130 रुपए किलो में खरीदा, केला 40 रुपए दर्जन में खरीदा, और वो जिस फल दुकान से खरीदा था उस फल दुकान पे जाकर जब जानकारी जुटाई गई तो उसने कहा कि मेरे यहाँ से 2-3 दर्जन खरीदे गए हैं, क्वांटिटी उसमें 80 किलो संतरा, माफ कीजिएगा 130 किलो संतरा, 175 किलो सेब और 72 दर्जन केला बताया गया, जबकि
दो तीन दर्जन केले, एक किलो सेब या दो किलो संतरा कुल इतनी खरीदी गई थी, और उससे प्लेन उससे बिल मांग लिया गया कि आप अपना बिल दे दीजिए हम बना लेंगे। वो फल दुकान अंग्रेजी लिखना नहीं जानता, उसका साइन अंग्रेजी में है। तो इस तरीके से गड़बड़ी वहां हुई है। कांकेर जिले में तो भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच हुआ है क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर, और उसके बाद सरकार की मंशा के खिलाफ काम हुआ है वहां। मैं सरकार की मंशा पर कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसके खिलाफ सरकार अब कार्रवाई क्या करेगी? अब जब आज हम आदिम जाति कल्याण मंत्री से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर प्रेमसाय सिंह से, तो उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा था। वो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, जानकारी ले लूंगा, पता कर लूंगा। वो ये नहीं कह पा रहे थे कि मैं कार्रवाई करूंगा। ये यहाँ पर जाकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आदिवासी जो जिले हैं वो विभागों में आदिवासियों के हितों में काम करने के लिए इस तरह से विभाग बनाए गए हैं। वो विभाग में इस तरह से जो खरीदी बिक्री के नाम पर जो खेल चलते रहता है वो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। और इस समय मानवता की सेवा के लिए लोग, सामाजिक संगठन लोग जब निकल रहे हैं तब ऐसी ऐसी भयानक स्थिति में भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी तत्काल इस पर बिना कुछ लाग लपेट के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर प्रशासन को सही तरीके से चलाना है, बगैर किसी राजनीतिक लाग लपेट के। मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के अधिकारी आपके समय में भी रहे हैं और इस समय भी वो मलाई काट रहे हैं, सरकार की नजर उन पर होती नहीं है? क्योंकि ये बहुत निचले स्तर पर जाकर के भ्रष्टाचार होता है, ऐसे अधिकारी के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इनको जेल भेजा जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। कम से कम वो गरीबों की भावनाओं से और बीमार पीड़ित लोगों का पैसा खा जाए, उनके फल फ्रूट खा जाए, उनका अनाज खा जाए, उनके ऊपर खर्च की जाने वाली राशि खा जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो राज किसी का भी हो। ठाकुर साहब, आपसे अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट। आपकी पार्टी सत्ता में है, सरकार की मंशा बहुत साफ है, लेकिन जब मामला पूरा खुलकर के सामने आ गया है तो ये केवल एक क्वारंटाइन सेंटर का मामला नहीं है, पूरे जिले का मामला है। आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, कोई आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्वारंटाइन सेंटर पे जो व्यवस्थाएं करें सरकार ने, जो मजदूरों के खाने पीने रहने उनके सब कुछ का प्रबंध किया है, उसमें अगर इस प्रकार के किसी ने गड़बड़ियां किए हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं तो समझता हूं कि ये ऐसे अधिकारी और अधिकारी जो है जो भ्रष्टाचार में शामिल है वो तो मानव समाज के लिए भी कलंक है, उनको शर्म आनी चाहिए जो इस बुरे दौर में जहाँ छोटे छोटे लोग सहयोग करने आगे जा रहे हैं। आप सरकार तक मामले को पहुंचाएंगे? निश्चित तौर पर, ये मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास पूरे विषय वस्तु को लेकर जाऊंगा और ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से प्रतिपक्ष के प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तिवारी जी ने दो कदम आगे बढ़ करके कहा कि पूरे जिले के जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसके खर्च की ऑडिट होनी चाहिए, बल्कि पूरे प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर्स की खर्च की ऑडिट होनी चाहिए, और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। और धनंजय ठाकुर ने हमको आश्वस्त किया है कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको रोकने की दिशा में सरकार भी कदम उठाएगी, और कांग्रेस जो सत्तारूढ़ दल है उस मामले में सजग है और वो इस मामले में कहीं कोई कोताही बरतने की बात नहीं करती है। आज के मुद्दा में बस इतना ही। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।